हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बर्तन को डिश वॉशर में मैं कैसे धोती है आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा था कि कैसे धोना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम बर्तन यहाँ पे बेसिन में सभी डाल के रखे रहते हैं खाना खाने के बाद, तो बस इसका पानी को मैं यहीं पर फेंक देती हूँ जितना भी मेरा बर्तन है, और उसके बाद मैं इसे डिश वॉशर में डालूँगी। तो देख सकते हैं सारे पानी को मैं ऐसे फेंकते जाऊँगी, खाना खा कर यहाँ पर सारे जो भी बर्तन रहता है मैं यहाँ पर बेसिन में डाल दी रहती हूँ, और उसके बाद सभी को इसका पानी को फेंक फेंक कर इसको देखे एक साइड में ले आती हूँ सभी बर्तन को। और इसमें नॉन स्टिक वाला बर्तन बस नहीं धुलता है दोस्तों, और एल्युमिनियम का बर्तन तो वैसे कई लोग बोलते नहीं धुलता है, पर मैं जब डालती हूँ जैसे कि केक का ट्रे है या फिर मतलब कुकर है, तो मेरा तो धुल जाता है, या फिर एल्युमिनियम का एक दो मेरे पास ढक्कन भी है जैसे कि कढ़ाई बढ़ाई का, उसको भी मैं डाल के देखी हूँ तो धुल जाता है। तो वैसे कढ़ाई तो मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे पास एल्युमिनियम का कढ़ाई नहीं है, मैं ज़्यादातर स्टील का कढ़ाई, लोहे का कढ़ाई, और ज़्यादातर तो मैं मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाती हूँ, तो मुझे तो अभी तक से मैं धोई नहीं हूँ तो नहीं बता सकती कि ये धुलता है कि नहीं। पर मेरे पास जो कुकर था पहले था, मतलब मैं उसे साइड में रख दी हूँ, अभी स्टील कुकर यूज़ करती हूँ क्योंकि एल्युमिनियम अच्छा नहीं है ऐसे सुनने में आया, तो मैं भी इसे बंद करके स्टील का कुकर यूज़ करने लग गई हूँ। वैसे मेरे पास एक कुकर है, उसे मैं धो के देखी थी तो धुल जाता है। तो यहाँ पर सभी को पहले हम पानी को इसका सभी को फेंक देते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रे है, तो यहाँ पर पहले से मेरा जो बर्तन जो धुला था रात में मैं डाल दी थी दोस्तों, जो बर्तन उसे मैं निकाल लेती हूँ, और देख सकते कितना शाइनिंग कर रहा है। तो ये रात में डालकर मैं सो जाती हूँ, जो कि धुल के मतलब अपने आप मशीन बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक है। तो आप भी जब भी सोने जाते हैं तो रात में सारी जितने भी बर्तन रहते हैं सभी को डाल दीजिए और सभी धुल जाता है। देख सकते नीचे के ट्रॉली में मैंने यहाँ पर थाली वगैरह भी डाला है, तो बस सभी को मैं निकाल के जमा लेती हूँ। और इसके बाद हम फिर से अभी इसमें बर्तन डाल देंगे जो कि मेरा सवेरे के टाइम का है, जैसे कि नाश्ता का, खाना का, दोपहर के समय मैं और लगा देती हूँ इसे, और उसके बाद एक बार रात में लगाती हूँ। दो बार अगर हम बर्तन साफ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से बर्तन साफ हो जाता है, और एक भी बर्तन यहाँ पे रहता नहीं है। अगर आप काम वाली बाई भी रखते हैं तो दो टाइम अगर आते हैं तभी अच्छा रहता है, क्योंकि दो टाइम बर्तन साफ हो जाए तो घर भी साफ साफ लगता है, वरना बर्तन जो है इकट्ठा हो जाए रहता है एक ही जगह, तो इसलिए मैं यहाँ पर दो टाइम ही चला देती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर गिलास वगैरह को जमा देती हूँ, आपको जिस टाइप से जमाना है वैसे आप जमा सकते हैं, जैसे कि आपको जैसे भी ठीक लगे, वैसे बर्तन को हमें उल्टा कर ही रखना है, सारे बर्तन उल्टा कर रखना है, क्योंकि अगर सीधा रखेंगे तो गंदा जो पानी होता है जो बर्तन धुलता है वो पानी उसी में भर जाएगा, इसलिए सारे बर्तन को आपको पलट के ही रखना है, बस यही इसका मेन होता है, जो कि ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बाकी आप जैसे भी चाहे वैसे आप इस बर्तन को जमा सकते हैं, नीचे में जमाना चाहे ऊपर में, ज़्यादातर ऊपर में गिलास कटोरी जमाने के लिए दिया रहता है, जैसे गिलास है, कटोरी है, या फिर छोटे छोटे बर्तन हैं जैसे गंजी वगैरह है, मतलब उसे भी मग वगैरह है, सभी को आप ऊपर नीचे ऊपर डाल सकते हैं, और नीचे में थाली वगैरह, कुकर वगैरह ये सब आप नीचे डाल सकते हैं, क्योंकि थाली के लिए यहाँ पर नीचे में जो है ट्रे उसी टाइप से बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं कप है कांच का, या फिर चीनी मिट्टी का, स्टील का, सारे बर्तन आप धो सकते हैं, प्लास्टिक का, लो क्वालिटी का प्लास्टिक भी है वो भी इसमें अच्छे से धुल जाता है, मैंने कई बार धोया है, जैसे कि अमूल का जो अमूल बटर का जो डब्बा होता है दोस्तों, उसे भी मैंने कई बार इसमें डाल के धोया है, वो भी अच्छे से धुल गया है, और कभी मैं धोऊंगी तो आपको ज़रूर इसे दिखाऊंगी। तो आप सभी प्रकार के बर्तन धुल सकते हैं, और इसमें गर्म पानी से बर्तन धुलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हाइजीनिक होता है। यहाँ पर चम्मच को लगाने के लिए स्टैंड दिया गया है, और एक चम्मच वगैरह के लिए बास्केट भी दिया गया है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं उसे बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं चम्मच को यहीं पे लगा देती हूँ। और देख सकते हैं ये वाला परात मेरा थोड़ा सा चौड़ा है, तो मैं यहीं पे इसे पलट कर रख दी हूँ, तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, आपको जैसे जमाना है, जितना ज़्यादा बर्तन आप जमा सकते हैं अपने हिसाब से आप इसमें जमा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेट वगैरह को मैं नीचे वाले ट्रे में जमा देती हूँ, जैसे कि थाली है, प्लेट है, और कुकर वगैरह जो रहता है उसे भी मैं नीचे ही डाल देती हूँ, जैसे कि कढ़ाई है उसे भी नीचे डाल देती हूँ। अगर आपके पास ऊपर जगह है तो भी आप ऊपर में भी इसे पलट कर डाल सकते हैं, जो कप वप है उसके ऊपर में आप पलट कर डालेंगे तो भी साफ़ हो जाता है। तो कभी कभी जैसे जगह मेरे पास कम पड़ता है, ज़्यादा बर्तन हो जाता है, तो मैं ऊपर नीचे जहाँ पर भी मुझे सेट करते बनता है वहाँ पर मैं सेट कर देती हूँ। तो ये आपको अपने अनुसार से सेट करना है, कहाँ पे कौन से बर्तन के लिए जगह बन रहा है वो आपको सोचना है और सेट करना है, तो इसमें कोई वो नहीं है दोस्तों, इसे आप अपने अनुसार से ही सेट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जैसे सेट कर रही हूँ वो आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं थाली वगैरह एक दो गंजी मेरा नीचे आ गया, कुकर रहने से मैं कुकर को भी डाल देती हूँ, और यहाँ पर जो इसका पाउडर होता है इसे मैं डाल देती हूँ, और जो शाइनिंग वाला लिक्विड होता है दोस्तों उसे भी हम कभी कभी डालते हैं जब हमको इंडिकेटर यहाँ पे शो होता है, तो वैसे हफ्ता 15 दिन तो चल ही जाता है, जितना धुलाई आप करेंगे उसके अनुसार वो ख़त्म होता है। तो बस हमें डिटर्जेंट जो पाउडर होता है डिश वॉशर का उसे डाल देते, तो देख सकते हैं एक बड़ा वाला कढ़ाई भी मैंने इसमें डाल दिया है, और जो परात है उसे भी मैंने डाल दिया है। तो ऐसे आप अपने अनुसार से जितना बर्तन चाहे उतना आप डाल सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है नीचे वाले ट्रे में जब आप डालते हैं तो पंखा को बस चला कर देखिए, और उसके बाद देखिए
देखिए दोस्तों, एक घंटे का टाइम मैंने लगा दिया था और सारे बर्तन देखिए मेरे धुलकर तैयार हो गए हैं। एकदम सूखा बर्तन है, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है और एकदम सूखा और एकदम साफ, बिल्कुल भी एक दाग आपको नहीं मिलेगा। और देखिए कितने अच्छे से बर्तन आपके धुल जाते हैं। ये देखिए ये मेरा परात जो है मैंने ऊपर डाला था, ये कढ़ाई को भी एक मैंने ऊपर डाल दिया था जो कि बड़ा कढ़ाई है, और देख सकते हैं सारे बर्तन मेरे अच्छे से साफ़ हो गए हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग जो कि डिश वॉशर के ऊपर था। अगर आप भी डिश वॉशर यूज़ करते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है हेल्पफुल हो सकता है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आप अगर काम वाली बाई अगर नहीं रखते घर में तो डिश वॉशर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, और काम वाली इसके झंझट से आप फ्री हो सकते हैं। तो सारे बर्तन मेरा धुल गया है, जैसे कि मैंने कांच का बर्तन भी डाला था, और ये देखिए कॉपर का जो गंजी है तो कॉपर भी कितना चमकने लग गया, और ये देखिए कांच का ये जो ढक्कन होता है दोस्तों कढ़ाई का, वो भी बहुत शाइनिंग कर रहा है। ये देखिए कितना अच्छे से शाइनिंग कर रहा है ना। और ऐसे ही कांच का जो एक ग्लास भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ दूध वाला, वो भी बहुत शाइनिंग कर रहा है, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि एकदम नया नया है। और देखिए कितना चमक रहा है बर्तन, तो इसमें बहुत अच्छे से धुल जाता है और एकदम पानी इसका सूख भी जाता है। और ये देखिए, तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।